आपके पास प्रश्न है संख्या 5, 6, 4, 3, 1 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में कितना अंतर है। यहाँ पर हमें सबसे पहले जो जानने वाली बात है वो है कि स्थानीय मान क्या है। जैसे कि 5, 6, 4, 3, 1 में 6 का स्थानीय मान, स्थानीय मान यानी कि उसका स्थान कहाँ, जैसे मैथ में होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 6 का जो हमारा स्थानीय मान हुआ वो हुआ 6000। अब कह रहा 4 का अंकीय मान, अंकीय मान, अब अंकीय मान को बहुत सारी किताबों में जातीय मान भी कहा गया है, तो अपने को ध्यान रखना है कि जातीय मान। अब अंग्रेजी में इसको कहते हैं फेस वैल्यू, क्या कहते हैं फेस वैल्यू, और इसको कहते हैं प्लेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू यानी कि जो ये 4 कहा गया, 4 का फेस हमेशा 4 ही शो करेगा। फिर हमारा प्रश्न कह रहा है अंतर, तो ये हो गया हमारा अंतर। तो इस तरीके से अंतर का, योग का, 6 के ही स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर आपको पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा है 1.2 एक्स बराबर 0.3 वाई हो तो वाई माइनस एक्स बराबर वाई प्लस एक्स बराबर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हमें इसको हल करना है कि 1.2 एक्स बराबर 0.3 y। अब दोनों में डेसिमल बराबर है तो हमारे पास हो गया 12x बराबर 3y। अब इन दोनों के रेशियो को छोटा कर सकते हैं तो बन गया 4x बराबर y। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि 4x बराबर y है यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है 1। तो x की वैल्यू को हमें 1 मानना है और y की वैल्यू को 4 मानना, यानी x बराबर 1 और y बराबर अपना हो गया 4। तो अब y माइनस x यानी y की वैल्यू कितनी है 4 और x की वैल्यू कितनी है 1, और y की वैल्यू कितनी है 4 और x की वैल्यू कितनी है 1, तो हमारा आंसर हो गया 3/5। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हमें सबसे पहली बात इस रेशियो को बराबर करना है और रेशियो से एक्स और वाई की वैल्यू निकाली जा सकती है। अगला प्रश्न, यदि 2x+5 बराबर 2x+3+12 हो तो x का मान क्या होगा। हमारे पास प्रश्न आया, अब 2x+5, 2x+3 यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है -1, दूसरा है -2, तीसरा है -3
और चौथा है 4। नॉर्मली हमको पता है कि अगर 12 हमारे पास जो अंतर है वो हम ऐसा सोचते हैं कि 2 दी पावर 1 यानी 2, 2 दी पावर 3 यानी कि 8, 2 दी पावर 5 यानी कि 32। अब बीच में 2 दी पावर 4 यानी कि 16। अब देखिए 2 दी पावर 2 यानी कि 4। अब 4 और 12 का जो योग है वो होता है 16, यानी कि इधर हमारा 16 आना चाहिए, यानी कि इधर हमारा पावर जो है वो क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए, और कहीं पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। फिर भी हम लोग देखते हैं कि 2 दी पावर अगर 1 ऑप्शन लगाते हैं, पहले हम 1 ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, तो 2 दी पावर -1 और +5 बराबर 2 दी पावर -1 +3 और +12, ये यहाँ पर प्लस है। अब यहाँ पर ये हो गया 2 दी पावर 4 और ये हो गया 2 दी पावर 2 +12, यानी 2 दी पावर 2 की पावर 4, उधर मैंने लिखा है 16 और इधर 4 + 12 यानी कि 16, तो यानी कि इक्वेशन सेटिस्फाई। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1 यानी कि ऑप्शन ए, और वो क्या है -1। 3 सवाल और अभी यहीं पर स्टॉप।